की। तो कल की वीडियो थी ब्लीच की और आज की वीडियो है फेशियल की। तो वो है ये फेशियल, फ्रूट फेशियल है, ये VLCC का ही है। इसमें 5 फेशियल किट है और 5 स्टेप भी है, तो आप 5 महीने कर सकते हैं अगर मंथ में करते हैं तो, लेकिन मैं तो 15 डेज में करती हूँ। तो मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगी। तो चलिए फेशियल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है स्क्रब। तो एक बाउल में स्क्रब ले लें और आधा ही लगता है, मैंने आधा ले लिया, इसमें से निकाल लिया और ये रोज वाटर से इसको मिक्स कर लें और फिर अपने चेहरे पे लगाएं। और हल्के हाथों से इसको मसाज करें, इससे आपके सारे ब्लैक हेयर्स, व्हाइट हेयर्स सभी निकल जाएंगे। और इस मसाज को 2 से 3 मिनट तक करना है और ऐसे आइज पे नहीं लगाएं। और स्क्रब हमेशा गोल गोल ही अपने चेहरे पे घुमाएं और 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद ये हल्का हल्का सूखने लगेगा। तो जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको, यहाँ पे मैंने मग में पानी लिया है और हल्का सा पहले उतारें इसको, उसके बाद धो लें। और धो के तौलिया से अच्छे से साफ कर लें और ये स्क्रब का बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मसाज करने में फिर दिक्कत आएगी। तो इसको नल में ही जाके धोएं। अब सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे ये जेल है, ये कुकुम्बर जेल दिया हुआ है इसमें। तो ये तो लगभग पूरा ही लग जाता है आपका पाउच। तो इसको अच्छे से अपने चेहरे पे फैला लें और नेक को तो कभी ना भूलें, नेक पे भी लगाएं। और इसकी मसाज लगभग 5 से 10 मिनट तक करना है आपको और एकदम चेहरे को दबा दबा के मसाज करें और हमेशा ऊपर की तरफ ही करें और चीक पे गोल गोल घुमाएं और आइज में भी मसाज करें और देखेंगे कि थोड़ी देर में ही ये सूख जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है क्रीम का। तो यहाँ पे मैंने मसाज क्रीम लिया है और ये स्टेप आपको आधा घंटा फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 15 से 20 मिनट तक भी चलेगा। और आइज पे भी लगाएं और पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाएं। और जेल को ना धोना नहीं है, जेल के ऊपर से ही क्रीम को लगाना है। तो आइज पे भी अच्छे से मसाज करें, ऐसे धीरे धीरे ही आइज पे मसाज करें। और बीच बीच में ये सूखता जाएगा ना, तो बीच बीच में आपको हाथ में रोज़ वाटर लेना है क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। तो बीच बीच में आपको रोज़ वाटर लेना है और उसके साथ आपको फिर से दोबारा से मसाज करना है। तो देखेंगे कि फिर से ये गीला हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको मसाज करना है 20 से 25 मिनट तक। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रीम है ना, उसको वाइप आउट कर दें, धोए नहीं आप नल में जाके, और हल्के हल्के इसको क्रीम को उतार दें बस। और उसके बाद चेहरे को सुखा लें। अब फेस पैक की बारी है। तो चेहरा मसाज करने के बाद तो देखेंगे कि कितना पिंक पिंक रेड रेड सा नज़र आएगा आपको। और अभी फोर्थ स्टेप है यहाँ पे फेस पैक। तो ऐसे ही अपने चेहरे पे लगा लें इसको ऊपर की तरफ। और
आपके चेहरे में दाग धब्बे हैं ना, तो उसको आपको स्टीम लेना होगा, तो मेरे में नहीं है तो मैंने आपको नहीं बताया। अगले फेशियल में मैं आपको बताऊंगी स्टीम लेना। तो अभी दो खीरे की स्लाइस को ना आपने आइज पे रखें और आधे घंटे तक सूखने दें इसको। और अभी सूख गया है तो अभी इसको फिर से गीला करना है हमें। तो इसको ना मैं स्पंज से हल्का हल्का पहले गीला करूंगी, रगड़ के इसको नहीं उतारें, बस गीला करना है पहले। उसके बाद इजी एकदम ये निकल जाएगा गीला होने के बाद, ज़्यादा रगड़े नहीं और ऐसे ही आसानी से उतार लें इसको। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ग्लो आया है मेरे स्किन में, और ख़ुद से भी आप फेशियल कर सकते हैं, पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप महीने में दो बार फेशियल करिए, कभी भी आपकी स्किन लटकेगी नहीं और कोई झुर्रियाँ, कोई रिंकल, कोई दाग धब्बे नहीं होंगे। तो अभी यहाँ पे मेरे पास लोशन है, ये पांचवा स्टेप, तो बस थोड़ा सा लें लोशन और बस अपने स्किन पे अप्लाई कर लें। बस हल्के हाथों से इसको मसाज कर लें। और अभी यहाँ पे फेशियल मेरा कंप्लीट है और 3 दिन तक कोई साबुन वगैरह नहीं लगाए, कहीं धूप में नहीं जाए आप। सो गाइस, ये था आज का मेरा वीडियो। और कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कोई बात नहीं, 2, 4, 5, 10 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।